सुशासन की परिकल्पना और पारदर्शिता सुनिश्चित कराने को लेकर पंचायतों में जन समस्याओं को सुलझाने के लिए लाखों की लागत से बना पंचायत सरकार भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड के खरौना पंचायत की, जहां 80 लाख की लागत से बना यह पंचायत सरकार भवन जब से बनकर तैयार हुआ है तब से इसमें सिर्फ और सिर्फ ताला लटका है। कोई जनप्रतिनिधि या सरकारी पदाधिकारी को भी इसकी सुधि नहीं है। लिहाजा सरकार ने पंचायतों की जन समस्याओं और स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे विवाद को सरपंच के कोर्ट में सुलझाने के मकसद से पंचायत सरकार भवन बनवाया। दूसरी ओर यह भवन अब असामाजिक तत्वों और जुआरियों का अड्डा बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों की लागत से बना यह पंचायत सरकार भवन बेकार हो गया है और रखरखाव के अभाव में भवन की हालत जर्जर हो रही है। वहीं चौखट और दरवाजे को भी चोर उखाड़ ले गए, लेकिन प्रशासनिक महकमा अभी तक मूकदर्शक बना है। इसका उद्देश्य था, सरकार ने 80 लाख रुपया का लागत से एक पंचायत भवन बना और बनकर ऐसी पड़ा हुआ है और इसमें कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आ पाए हैं। और इसका उद्घाटन हुआ कि नहीं आज तक? अभी तक ना हुआ है। अच्छा, तो उद्घाटन नहीं हुआ तो कोई आते भी नहीं होंगे तब? कोई ब्लॉक से कोई अधिकारी नहीं आए हुए हैं, देखभाल भी नहीं हो चुका हुआ है। पूरे इधर तरह से जो है कि चौखट किमारी टूट चुका हुआ है। अब चौखट किमारी भी टूटने लगा जी, तार फार जो है जो भी है इसमें नोचा चुका हुआ है। तो स्थानीय मुखिया या सरपंच जो भी यहाँ के लोग होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं या अधिकारी, उन लोगों से आप लोग नहीं कहते हैं कि सर कब चालू होगा नहीं होगा? हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग का कोई सुविधा यहाँ पर जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। रिक्वेस्ट किए तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? चालू होगा यही बोल रहे हैं। आज तक नहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ, 6-7 साल हो चुका हुआ है। अब तो चुनाव भी करीब है, अब फिर पंचायत चुनाव होने वाला है, ऐसे में आप लोग ये सवाल उठाएंगे इसको लेकर? जी। इधर लालगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी राधा रमन मुरारी की दलील है कि पंचायत सरकार भवन बनने के बाद संबंधित मुखिया को इसका प्रभार सौंप दिया गया है, लेकिन जब यह पूछा गया कि पंचायत सरकार भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है और रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहा है, तो उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कहकर सवालों से पल्ला झाड़ लिया। पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ तीन है, बन चुका है 3 पंचायतों में, और बाकी इस बार हम लोग का एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण चल रहा है। तो वहाँ पर मतलब उसका उद्घाटन हुआ नहीं हुआ? हाँ, हैंडओवर कर दिया गया पंचायत को, तो संबंधित अपना पंचायत के जो मुखिया जी हैं अपना वहाँ कार्यालय वगैरह वहाँ चलाएंगे, हैंडओवर कर दिया गया। कितना दिन पहले हैंडओवर? लगता है कि कोरोना काल से पहले ही हम लोग उस पर हैंडओवर करवाए थे। ये खरौना पंचायत में जो बना है मानपुर में पंचायत सरकार भवन, हाँ, ये आप लोग को हैंडओवर कर दिया गया है? अभी ना हुआ, लेकिन अभी वीडियो साहब से बात जब हुई है तो वो तो बता रहे हैं कि हम कोरोना काल से पहले ही 3 पंचायत भवन बना है, तीनों को मुखिया के हवाले कर दिए हैं, पंचायत के मुखिया के हवाले। ना, ना। और उस पंचायत भवन, वो पंचायत भवन जुआ का अड्डा बना हुआ है, वहाँ से खिड़की केमारी पल्ला उखाड़ के लोग ले जा रहा है। हाँ, हाँ, आप क्या कर रहे हैं इसमें? अच्छा ठीक है, मैं अभी जिला में, हम फ्री होते हैं तब शाम में बात करते हैं 3-4 बजे। लेकिन आज तक वहाँ के लोग कहते हैं कि कभी यहाँ कोई आया नहीं, कोई स्टाफ हो या जनप्रतिनिधि हो, कभी नहीं बैठे और ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। मैं दिखवाता हूँ क्या, कि वो तो हैंडओवर पंचायत को है, पंचायत के जो मुखिया जी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपना वहाँ कार्यालय वहाँ बैठना है, वहाँ चलाना है। अगर वो नहीं बैठते हैं, नहीं चला रहे हैं, तो उसको मैं दिखवा लूँगा। और यहाँ से जो कोई सरकार कर्मचारी आपके नहीं जाते हैं वहाँ पर? पंचायत के जो पंचायत से जो सचिव हैं उनको वहाँ अपना बैठना है, रहना है, जब उनका जो मुख्यालय दिवस होता है अपने उनको पंचायत में उपस्थित रहना है। तो लोग बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कभी मॉनिटरिंग नहीं हुई वहाँ चल रहा है? वैसे देखिए बाकी दिन रहना, हम लोग मुख्यालय यहाँ एक दिन बुलाते हैं, बाकी उनको अपने पंचायत में ही वर्क करना है। अब चूंकि पंचायत सचिव को 3-3, 4-4 पंचायत का है प्रभार दिया हुआ है, तो अपना वो सभी 3-4 पंचायत देखते हैं वो, तो अब किस दिन वो अपने उस पंचायत में रखे हैं दिवस, तो उनको मंगवाना पड़ेगा कि क्या रखे हैं। कुल मिलाकर कोई उपयोगिता उसकी नजर नहीं आ रही है? वो तो जिन सरकार ने तो उपयोगिता के लिए बनाया है, ताकि चूंकि सभी जो उनका जनप्रतिनिधि है वो अपना वहीं पे रहे, वहीं हो, जनता कहीं और ना जाना पड़े, अपने पंचायत में उनका समस्या का समाधान हो।
लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है, बिल्कुल चौखट के मारे तब वो लोग उखार के ले जा रहे हैं। नहीं तो पंचायत से मुखिया जी से मैं उनसे लूंगा कि भाई अपना वो कार्यालय वहाँ बैठे, अगर नहीं बैठते हैं तो जरूर सुनिश्चित करें कि अपना वहाँ पे जो अपना कार्यालय पंचायत का मुखिया का अपना घर से ना चला करके पंचायत सरकार भवन से चलाएं।